उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्वाट टीम व थाना नकुड़ पुलिस ने थाना क्षेत्र के हाजी मुस्तफा के बाग से मुठभेड़ कर लूट डकैती की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले 3 साथी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने इनके पास से लूट के 16,670 रुपये, 1 सोनाटा घड़ी व हथियार बरामद किए हैं। वहीं SP देहात विद्यासागर मिश्र ने बताया कि थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव भूरी बांस में लूट बदमाशों द्वारा मारपीट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें वादी के पिता की मौत हो गई थी। 24/11/17 को थाना नकुड़ में गांव भूरे बांस में 3-4 बदमाशों द्वारा, जैसा वादी के द्वारा बताया गया, 4 बदमाश घर में घुस गए और उनके साथ घर में लूटपाट की गई। लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई थी और एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके अनावरण के लिए हमारे थानाध्यक्ष नकुड़ और स्वाट टीम लगी हुई थी। कल 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो जनपद शामली का रहने वाला है, और एक अभियुक्त जिसने हाल ही में जेल से छूटा था, जिसने बिजनौर में एक लूट के दौरान हत्या किया था, इसमें उसे सजा हो चुकी थी। इनके पास से लूट के माल बरामद हुए हैं, ID कार्ड, मोबाइल फ़ोन और लूट में जो घड़ी लूटा था वो घड़ी भी बरामद हुई है। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है।